हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि जो कैंडिडेट एमबीए करना चाहते हैं यानी कि एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 में, उनके लिए मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT ने जो है एमबीए के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जो है 2021 यानी 21-22 सेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले पे देख रहे हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि यहाँ पे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये हिंदी में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट यानी IIFT ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वर्जन में। जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो है नहीं कर सकते हैं, मे बी पहले भी हुआ होगा, लेकिन जो है NTA की तरफ से यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यानी कि NTA के थ्रू जो है MBA में एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट अगर मैं इसकी बात करूँगा तो 15 अक्टूबर 2021 को रखी गई है, जो कि आपको मैं नोटिफिकेशन डिस्प्ले पे भी ओपन करके खाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो MBA IB एडमिशन 2021, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं गाइस फ्रंट पे ही, और ऑलरेडी मैंने ओपन भी कर रखा था। ये थोड़ी सी नोटिफिकेशन है, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ी सी एक दूसरा दिखा देता हूँ आपको। मैं जैसे यहाँ पे देख रहे हो IIFT 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी गाइस, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले प्रोस्पेक्टस की। तो प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 15 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है, और करेक्शन डेट 72-26 अक्टूबर जो है 2021। एग्जाम डेट की बात करें तो 5 दिसंबर 2021 को होगी, और एडमिट कार्ड जो उस एग्जाम होने से पहले ही रिलीज किया जाएगा, और जनरल OBC EWS वालों के जो है 2500 यानी 2500 कह सकते हैं या 2500 रुपये कह सकते हैं कि आपको पे करने होंगे। SC ST और जो कैंडिडेट PH कैंडिडेट वाले हैं उन्हें जो है 1000 पे करने होंगे। आप पेमेंट जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट बैंक, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ ही जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर होंगे। SC ST वालों के लिए 45% कम से कम होने चाहिए। और अगर हम बात करें इसकी एग्जाम सेंटर की, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी लेट हो रही है प्रोस्पेक्टस में गैस, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी वॉइस में ही बता दे रहा हूँ कि एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो UP में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जैसे कि आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, वाराणसी एंड कानपुर। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में ओनली पटना यानी कि पटना में सिर्फ सेंटर होगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। मध्य प्रदेश में इसके सेंटर होगी 3 जगह, भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर एंड एनी अदर वेरियस एग्जाम सेंटर इन पैन इंडिया। तो इस जगहों पे जो है एग्जाम सेंटर होगी, जो कि आप देख सकते हो। फिलहाल थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से आप जो है ऑनलाइन करोगे। तो गैस ये मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी क्लिक करके ओपन कर लेना। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ऑनलाइन रजिस्टर फॉर कैंडिडेट साइन इन, यहां पे IIFT MBA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन भी जैसे ही क्लिक करोगे गैस तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, जो आपके बेसिक डिटेल्स होंगे, तो बेसिक डिटेल्स पे जो है क्लिक कर लेना होगा। ये थोड़ी सी नोटिफिकेशन में लेट हो रही है, मतलब कि प्रोस्पेक्टस में चल नहीं रही है अभी फिलहाल, फिर भी हम डाउनलोड करते हैं। और ये देखो आपका जो है ऑनलाइन का जो है एप्लीकेशन जो है अभी ओपन हो जाएगी गैस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो जनरली इस कितने, तो यहाँ पे सब कुछ पेमेंट वगैरह बता दिया गया है, आप किससे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे और आपका फोटो JPG होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह जो भी है, यहाँ पे सब कुछ, किस तरह से आपको पासवर्ड ओपन करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन पढ़ करके यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे क्लिक या टू प्रोसीड पे करना होगा, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, उसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, उसके बाद फिर साइन इन या फिर नेक्स्ट स्टेप करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और अपना फोटो यानी कि इमेज अपलोड करेंगे, और लास्ट टाइम आपको फी पेमेंट करने होंगे।
तो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लोगे, इस पर टिक करके यहाँ पे क्लिक या टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना गाइस। आप यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना डिटेल में भर करके उसके बाद सबमिट कर देना। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि साइन इन के लिए जो है यूजर नेम और पासवर्ड आप जनरेट हो जाएगा, और आपको जो है मैसेज से भी भेज सकते हैं मेल के थ्रू। तो इस तरह से जो है आप नेक्स्ट स्टेप करके आप भर सकते हो और तैयारी करके जो है आप प्रिपरेशन करके एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं, वो एमबीए करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि एमबीए के लिए कहाँ फॉर्म जो है अप्लाई किया जाए। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण उन्हें नहीं हो पाता है। अब थोड़ी सी मैं नेट थोड़ी सी दूसरा कनेक्ट कर लेता हूँ गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम और चल रही है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, अभी प्रोस्पेक्टस थोड़ी सी डाउनलोड में करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे। और ये देखो गैस, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे तो मैंने करके बता दिया है, इस तरह से आप जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना। और ये डाउनलोड ब्रोचर है जो कि आपको मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है सेटिस्फाई हो जाए। ये देखो ऑलरेडी आ चुकी है, प्रोस्पेक्टस 69 पेज के हैं। तो इसमें एक एक स्टेप आप पढ़ लेना, इसमें पूरी डिटेल में बता दिए गए किस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने फी लगेंगे, लास्ट डेट क्या है, कब से स्टार्ट हुई थी। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पेज है जो कि डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ, कब एग्जाम होगी, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किया जाएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होगी, सब कुछ इसमें दिया गया कि सिलेबस क्या होगी, कितने मिनट के पेपर होंगे, और फर्स्ट सेटिंग होगी, सेकंड सेटिंग होगी, सब कुछ इसमें टोटल चीज इस प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करके जरूर देखना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसमें देखो किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और ये गैस अपने यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जो भी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है फिल करके आप सबमिट कर देंगे, आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होकर मिल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ते जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और फी पेमेंट लास्ट में कर देंगे। और जो भी कन्फर्मेशन पेज आएगी उसको एज ए प्रिंट प्रिंट करके जो है एज ए रेफरेंस जो है फ्यूचर के लिए आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे ब्रोशर मैंने प्रोस्पेक्टस अभी करके दिखाया। तो गाइज इस वीडियो में मैंने बात की आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में जो है आप किस तरह से एमबीए में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने फीस लग रही है, एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, टोटल चीज मैंने बताया। फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आपको जल्दी से पहुंचे। फिर मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।